अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आई होप आप लोग सब भी मज़े में होंगे, हम लोग भी मज़े में हैं। और आज का व्लॉग है वो बेबी शावर का व्लॉग है, सिस्टर की बेबी शावर की सेरेमनी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। मैं आपको रूम में लेके चलती हूँ और ये देखें कुछ इस तरह से ये लोग सब रूम में बैठे हुए हैं। और जो है यहाँ पर बेबी शावर की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। भाई रेस किसका पहले बलून फूलता है, रेस रेस ये तीनों आपस में रेस कर रहे हैं ये देखें। और ये हमारे पास छोटा सा बेबी है, पैंपर वाला बेबी है देखें, जिसको फुला के रखा है, छोटा सा क्यूट सा बेबी है ये देखें, पैंपर वाला बेबी है। और बाकी जो है ये बैंड वगैरह ये अभी सब चीज़ें हम लोग अभी रेडी कर रहे हैं। और इस तरह से ये देखें, इस तरह से बेबी शावर का हमने ये लगा दिया है बलून की। आप माशाल्लाह से तादाद देखें। और अभी जो है सेटिंग अभी चल रही है, अभी बलून फूल रहे हैं इस तरह से, सब यहाँ पर बलून फुला रहे हैं। और हाँ बहुत मस्तियाँ हो रही हैं, ये कज़न्स तीनों ये कज़न्स बैठ के मस्तियाँ कर रहे हैं। कितना मज़ा आ रहा है राज आपको? अच्छा आप लोग मुझे बताएं कि लड़कियों का इजाफा होगा या लड़कों का, गर्ल्स का या बॉयज़ का? चले अब हम लोग ये देखते हैं कि ये गर्ल्स का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि गर्ल्स का इजाफा होगा, गर्ल्स कह रही हैं। और बॉयज़ कह रहे हैं किसका इजाफा होगा, बॉयज़ और किसका इजाफा होगा, गर्ल्स का। हाँ ये लोग कह रहे हैं गर्ल्स का इजाफा होगा या बॉयज़ का इजाफा होगा। ये तो टू भी कंटिन्यू है, अभी आप कुछ ही दिनों में देखेंगे। और इस तरह से सब बैठे हुए हैं और बच्चों ने यहाँ पर अपना काम कंप्लीट कर लिया है। बच्चों ने मिलके सब ने बलून फुलाए, आधे बलून उन लोगों ने पंप से फुलाए, कुछ बलून उन लोगों ने ऐसे ही फुलाए। तो बच्चों ने अपने बलून वगैरह फुला लिए हैं। तो अब मेन रहा है डेकोरेशन का, तो मैं और हम दोनों मिलके डेकोरेशन कर रहे हैं। और ये जो बलून हैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा बलूनों को लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जबकि हमने डबल टेप यूज़ किया उसके बावजूद भी ये जो बलून है ये टिकी नहीं रहते। एक बलून यहाँ से लगा और दूसरा बलून निकल जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मसला हमें क्रिएट हो रहा था। क्या नाम है, एक तो ये कुशन, ये जो सोफ़ा है इसके ऊपर बलून टेप जो है वो चिपक भी नहीं रहा था, इस वजह से बार बार जो है वो बलून निकले जा रहे थे। तो हमें काफ़ी ही मेहनत करनी पड़ी थी इसके ऊपर ये बल डेकोरेशन करने के लिए। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी, मैंने और हिबा ने मिलके इसकी पूरी डेकोरेशन करी। और हम लोगों ने सबसे बड़े तो हम लोगों के लिए ये था, क्योंकि सबको ही पता है जब भी कोई ऐसे बलून वगैरह सेट करते हैं तो इसमें फ़ैन ऑफ़ करना पड़ता है, तो इस वजह से फ़ैन ऑफ़ करके बैठे हुए थे। और आज गर्मी भी ज़्यादा थी तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखें हमने फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है और हम लोग जो है इरम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और खुसूसन मैं और हिबा। हाँ बच्चों ने तो अपनी खैर काम कर दिया है, मेन काम बलून फुला दिया सब ने। अब हम दोनों मिलके जो हैं वो बाकी जो है डेकोरेशन वो कर रहे हैं। और आई होप कि अब जो ये मैं लगा रही हूँ ये बलून अब निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है अब टेप भी हमने बड़ी बड़े से पीसेस लिए हैं, इंशाल्लाह अब ये नहीं निकलेंगे। और बाकी ये लोग सब जो हैं ये सब वेटिंग पे बैठे हुए हैं कि जल्दी से पार्टी की तैयारियां कंप्लीट हों और उसके बाद हम लोग सब जो है पार्टी इंजॉय करें, क्योंकि कोई भी पार्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्जॉयमेंट होती है वो बच्चों की ही होती है। यहाँ बड़े बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि वो जल्दी से मतलब पूरी डेकोरेशन कंप्लीट हो, तो फिर हम लोग क्या नाम है पार्टी सेलिब्रेट करें। और पार्टी जो है क्या नाम है को बस हम ही लोग थे घर ही घर में, कोई ऐसा ख़ास मेहमान नहीं आया था, हम लोगों ने घर में ही सेलिब्रेशन की थी। आप लोग सोच रहे होंगे ये कितनी लंबी जो है डेकोरेशन की ही वीडियो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो लगा ही डेकोरेशन में था और अब जो है कंप्लीट होने वाली है ये डेकोरेशन। और अब ये देखें माशाल्लाह से ये कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गई है।
पूरी डेकोरेशन, और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। बस अब मैं रेडी होकर आती हूँ। और ये देखें कुछ इस तरह से मैं रेडी हुई हूँ। मैंने ड्रेस जो है वो पहले ही वेयर कर लिया था, ब्लैक कलर का मैंने ड्रेस पहना है जो आप लोग देख सकते हैं। और मैंने लाइट सा मेकअप किया है पिंक शेड में, और पिंक ही लिपस्टिक लगाई है मैंने। और ये छोटी सिस्टर का बेबी शावर हो रहा है, और हम लोगों ने अभी जो है काफ़ी मेहनत की ये सारे बलून लगाने में, करने में। और ये देखें लास्ट में जब ये केक आया है तो फिर से ये बलून जो हैं इस तरह से नीचे, यहाँ से नीचे की तरफ बलून गिर गए हैं। और बच्चे जो हैं सभी, और बच्चे जो हैं वो सब जो हैं वो केक कटने का वेट कर रहे हैं कि केक कट हो और हम लोग सब खाएं यम्मी यम्मी सा केक। और हम लोग जो हैं चारों सिस्टर हम लोग जो हैं वो इस तरह से कुछ पिक्चर बनवा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि पहले पिक्चर बनवा लें और फिर उसके बाद फिर हम लोग केक वगैरह कट करेंगे, क्योंकि जेंट्स वगैरह कोई भी नहीं थे, बस हम लोग सब घर में ऐसे ही शुगल मेला कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने इस तरह सेलिब्रेट की थी, और जो है तो हम लोगों ने पहले सोचा कि पहले पिक्चर बना लें फिर उसके बाद हम जो है केक कट करेंगे। और अब माशाल्लाह से फाइनली केक कट होने का टाइम आ चुका है, और केक पे कुछ इस तरह से दोनों मम्मा पापा का नाम मेंशन है, अपकमिंग मम्मा पापा का नाम मेंशन है, और ये हैप्पी शावर लिखा हुआ है और कुछ इस तरह से। और ये जो है ये हमारा अपकमिंग बेबी है, ऐसा ही होगा ब्राउन नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा ब्राउन ना हो। अच्छा ऐसे पैम्पर की तरह होगा चलो पैम्पर की तरह होगा, डन कर दिया। और इस तरह से ये सजा है। और आप बताएं आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और ये और आप जो है इस बेबी का जब पैम्पर बदलेंगी ना तो फिर आपको ज़िंदगी का मज़ा ही आ जाएगा। बेबी कहाँ चलेगी? ओह बेबी ने बैलेंस पीछे तो भाई फाइनली बेबी को जो है गिफ्ट मिलना अभी से स्टार्ट हो गए हैं। और ये जो है उनके गिफ्ट हैं, ये जो ब्राउन कलर है ना इसका, हाँ अच्छा कलर है, लेकिन कोशिश करना कि इसका ब्राउन कलर ख़राब ना हो। फेयर एंड लवली खाई थी तुमने? लगा दूंगी जरूर। अरे ऐसी बात नहीं, और ये दे तो नहीं, ये सारा सामान यूज करना वही जगह पर है। अच्छा सही है, फिर सही है। ये भाई देखें ये इनके बेबी का है, अपकमिंग बेबी के लिए गिफ्ट है। तो मैं सोच रही हूँ इसको पहनाना है या नहीं पहनाना है। ये गिफ्ट है, और हमने इसे आपका गिफ्ट यहाँ रख दिया है। और ये फीडर है छोटा, नहीं नहीं फीडर सीजर बॉक्स है। और भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, तस्वीर ले सकते हैं बाबा। और ये बच्चा पार्टी की जो है पिक्स हो रही थी, बच्चा पार्टी भी आ गए कि हमारी भी पिक्स हो। और भाई वेरी 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 हैप्पी अपकमिंग बेबी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। ये देखो सारी पलटंग जो है, ये एक कैमरामैन ये है और एक कैमरामैन मैं हूँ, हम दोनों ये हैं। ये वीडियो लूंगी मेरी तस्वीर। और भाई बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन, और जो है ये केक आपके लिए। और हम सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, और ये कुछ इस तरह से मैं शावर कर रही हूँ, और कुछ इस तरह से मैं स्प्रे कर रही हूँ, और इससे माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है। और स्नोफॉल का जो लुक है वो तो हमेशा ही अच्छा लगता है। ये पार्टी के बाद का मंजर है, सब इस तरह से बैठे हुए हैं, और ये जनाब आ गए हैं और चलो बस इन्होंने मेरी एंजॉयमेंट एंजॉय करने के लिए आए थे, इन्होंने कर लिया, तो मैं लेके जा रहा हूं, इनका दिल नहीं जा रहा जाने का। हाँ ये देखें, इनको देखें कैसे बैठे हैं मस्ती में। और क्या हुआ आपके मैच का, क्या रहा मैच? हार गया यार, हमारा अच्छा रहा था, जीत रहा था, आनंद हमारा आया, आनंद की वजह हमारा मैच। यार अनस तुमने पाकिस्तान को हरा दिया भाई। अनस अनस यार तो मैच जीत रहे थे, वो सारी विकेट गिर रही थी, जैसे ही अनस आया वो बस दो खिलाड़ी जम गए, उन्होंने
तो आज की पनौती है ना से और कुछ इस तरह से आज का हमने ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया। और आई होप कि आप लोगों ने भी खूब इन्जॉय किया होगा। तो फिरते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।